बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, राशिद अपडेट्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, काबीना इजलास कालेदम जमात के सरबरा की रिहाई का इम्कान। कालेदम जमात के साथ माहदे पर मुकम्मल अमल दरामद करते हुए जमात के सरबरा को रिहा कर दिया जाएगा। ज़ियादम की वज़रा को मामले पर वज़ीर ख़ारजा से मशावरत की हदायत। अक्सर न्यूज़ के मुताबिक वफाकी काबीना ने तय किया है कि कालेदम जमात के साथ माहदे पर मुकम्मल अमल दरामद करते हुए जमात के सरबरा को रिहा कर दिया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ ज़ियादम इमरान ख़ान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान माहदे पर गुफ्तगू की गई। काबीना ज़राए ने बताया कि कालेदम जमात के साथ होने वाले माहदे पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा और इसी तनाज़ुर में उनके सरबरा को जल्द रिहा कर दिया जाएगा। काबीना ज़राए के मुताबिक ज़ियादम ने माहदे पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी है और शाह महमूद कुरैशी को अहम टास्क सौंप दिया है। ज़ियादम ने तमाम वज़रा और अरकान को कालेदम जमात के मामले पर शाह महमूद कुरैशी से मुशावरत की भी हदायत की है। कालेदम जमात और माहदे पर शाह महमूद कुरैशी फोकस पर्सन होंगे। ज़ियादम इमरान ख़ान ने कालेदम जमात तहरीक लब्बैक से मुतल्लिक वज़रा को बयान देने से रोकते हुए कहा है कि हसास मामला है। ज़ियादम ने कहा कि मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन गैर जिम्मेदाराना बयान से फ़ायदा उठाते हैं। मजहबी मामलात और हसास इशूज पर आइंदा बयान में एहतियात बरतनी चाहिए। वज़रा इत्तेहाद का मुजाहरा करें, इत्तेहाद में ताकत है, दिलेरी का मुजाहरा किया जाए। ज़ियादम ने मज़ीद कहा कि रिफॉर्म लाना आसान नहीं, मुश्किलात आती हैं, मिलकर सामना करेंगे। मुश्किल वक्त में सबको मुताहिद होकर सामने आना चाहिए। ज़ियादम कुछ देर बाद कानूनी टीम से मुलाकात करेंगे। कालेदम जमात के मुतालबात पर कानूनी राय से आगाह किया जाएगा और मुख्तलिफ कानूनी उमूर से मुतालिक मशावरत की जाएगी।